कुछ दिन पहले ही पीएनबी जैसे घोटाले रोकने में असहाय बता चुके रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने मोदी सरकार पर ठिकरा फोड़ा है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष विनोद राय ने सरकार पर आरोप लगाया है। विनोद राय ने आरोप लगाया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए दी गई सिफारिशों पर कुंडली मार कर बैठी है। साथ ही उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्वामित्व के ढांचे से स्वतंत्र नियम बनाने की भी मांग की। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह की बात की थी। उर्जित पटेल ने कहा था कि उनके पास अधिकार नहीं है। हालांकि विनोद राय सहित बीबीबी के सभी सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है और उससे करीब 10 दिन पहले उन्होंने अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें ब्यूरो की ओर से पिछले 2 साल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए की सरकार और बीबीबी के बीच संवाद की स्थिति नहीं थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में फरवरी 2016 में बीबीबी का गठन किया गया था। राय ने भविष्य में बीबीबी की भूमिका का ढांचा तैयार करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को पिछले साल 26 जुलाई को भेजे गए पत्र का भी जिक्र किया है। राय ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जेटली से मिलने का समय मांगा था। इनमें एक मुद्दा सरकार और बीबीबी के बीच संबंधों को लेकर भी था। ब्यूरो को अब भी वित्त मंत्री के साथ बैठक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।